So continuing to the next one, that is fundamental principles we are moving. हम लोगों ने जो principles किया था, that we had started off with at most good faith. I'm just re-revising it, recapitulating it. The word faith का मतलब होता है honesty. यहाँ faith is not putting the faith, it is honesty. And both, whether the company or the person who is taking or anyone, दोनों को हर चीज जो है उसे बताना चाहिए. I had given you the example, one which had come in the exam, that is a person had hidden that the person was suffering from disease, या फिर while it is for the business, they have hidden कि ये वाले जो particular goods हैं, they are perils. तो ये नहीं करना चाहिए. सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है देयर इज सम फाइनेंशियल रिलेशनशिप, यानी कि उस सामान के टूटने फूटने, उस सामान के खोने, उनसे उस कंपनी को कोई फाइनेंशियल लॉस होगा. The third which we had done was indemnity. Principles of indemnity does not apply on life insurance. आपका indemnity होता है whatever आप जो insurance करवाते हैं, जब there can be two situations which I gave you. One, जहां पर जितने का insurance करवाया है उससे कम का loss हुआ या ज्यादा का loss हुआ. दोनों ही situations में द एक्चुअल अमाउंट विल बी गिवन और द मैक्सिमम दैट कैन नॉट बी इम्प्लाइड ऑन व्हाट वी कॉल एज लाइफ इंश्योरेंस. यू कैन नॉट, लाइफ को आप पैसे से, पैसों के उसमें मेशर नहीं कर सकते. नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ वन, दैट इज प्रॉक्सिमेट. द वर्ड प्रॉक्सिमेट का मतलब होता है नियरेस्ट. प्रॉक्सिमेट का मतलब होता है नियरेस्ट. सो प्रॉक्सिमिटी हम लोग यूज करते हैं इन इंग्लिश, विच मीन्स नियरेस्ट. नाउ व्हेन यू आर टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी, देयर वुड बी अ नंबर ऑफ कॉजेस रिलेटेड. भाई आग है तो आग तो किसी भी चीज से लग सकती है ना, आग तो किसी भी चीज से लग सकती है. तो नाउ यू हैव टू, मतलब देयर इज अ डेफिनेशन, आप किस किस वाले से आप अपने मतलब की कंपनी को या गोडाउन को बचाना चाहते हो, दैट इज आपका प्रॉक्सिमेट. लाइक व्हेन वी आर टेकिंग फॉर इवन फॉर द एक्सीडेंटल आल्सो, देयर आर सर्टेन क्लॉजेस, हम उनको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं क्लॉज, कंडीशन. According to this principle, an insurance policy is designed to provide compensation only when such losses are caused by the perils which are stated in the policy. इसी को हम अपनी लैंग्वेज में क्लॉज बोलते हैं. Means even if it is, if we are taking accidental policy, accidental के भी नीचे there are certain clauses given. Accident किस टाइप का. सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू द फायर और मरीन, मरीन में आपके अलग अलग होते हैं. आप अपने आप को जो हो, मतलब इफ अ कंपनी इज यू नो सेंडिंग इट्स कंसाइनमेंट थ्रू द उसमें, तो हो सकता है कि दे आर अफ्रेड ऑफ द पायरेट्स, तो वो थीवरी रॉबरी उसके लिए कर सकते हैं. या फिर उनको लगे कि भाई समुद्र में तूफान आ जाएगा, उससे मेरे सामान को नुकसान पहुंच सकता है, तो दे वुड गो फॉर द पेरिल्स ऑफ द सी. तो दैट विल बी, देयर आर डिफरेंट. और ये आपके पेपर में एक बहुत ही ज्यादा, यू कैन से अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है, चूहे वाला एक क्वेश्चन है. मतलब कि जो माउस है वो एंटर कर गए एंड दे एट अप ऑल द, तो ये आपका प्रॉक्सिमेट, यानी कि व्हेन यू आर टेकिंग अप द पॉलिसी, मीन द प्रिंसिपल्स विल बी बेस्ड ऑन द कॉज. व्हेन द रिजल्ट इज लॉस इज द रिजल्ट ऑफ टू और मोर कॉजेस, द प्रॉक्सिमेट कॉज मीन्स द डायरेक्ट.
The most dominant and most effective cause of which the loss is the natural consequence. In case of loss arising out of any mishap, मतलब इन दोनों में से कुछ नहीं था लेकिन वैसे कोई मिसहैप हो गया, द मोस्ट अप्रोक्सीमेट कॉज ऑफ द मिसहैप शुड बी टेकन इन टू कंसिडरेशन. कोशिश की जाएगी कि इन दोनों में से कोई उसमें फिट हो रहा, दो नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. मान लो हमने दो क्लॉजेस पर डाल रखा है, वी हैव पुट ऑन टू क्लॉजेस. नाउ द मिसहैप हैज हैपेंड एंड वी डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल रीजन. तो हम कोशिश करेंगे रीजन को कोरिलेट करने के लिए विथ व्हाट वी हैव. एक एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट्स के अलग अलग रीजंस होते हैं. एक ट्रक का हमने ले रखा है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्लॉज एक्सीडेंट मींस गाड़ी तेज चलाते हुए ब्रेक फेल हो गया, सामने से गाड़ी कोलाइड हो गई, हमने ये सारी चीजें ले रखी, ठीक है. अब गाड़ी जो है इट वॉज स्टेशनरी, गाड़ी खड़ी थी, पहाड़ था, ऊपर से पत्थर गिर गए एंड अनफॉर्चुनेटली गाड़ी जो है आगे गई एंड सामने से आने वाली गाड़ी से भिड़ गई. नाउ नियरेस्ट कॉज इसमें क्या था, हमने कोलाइजन ले रखा था तो यहां पर कोलाइजन जो है इट कैन बी यूज्ड. तो वी कैन क्लेम, वी कैन नॉट क्लेम ऑन द बेस कि भाई पत्थर गिरा था और गाड़ी चली गई थी. वी कैन क्लेम ऑन द बेस कि द व्हीकल कोलाइडेड विद अनदर व्हीकल व्हिच इज देयर इन अवर क्लॉज. तो दिस इज हाउ द प्रॉक्सिमेट कॉज इज मेजर्ड. प्रॉक्सिमेट का मतलब होता है नियरेस्ट. अगर नियरेस्ट डायरेक्टली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ देयर इज समथिंग इनडायरेक्ट. और इसमें ये दूसरा भी क्वेश्चन था कि एक इंसान ने अपने वर्क मतलब कि उसका अपने वेयर हाउस का ले रखा था पॉलिसी ऑफ फायर. नाउ द फायर व्हाट ही हैड टेकन वाज कि फायर लगेगा तो यानी कि प्रॉपर आग लगेगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट हो गया. तो नाउ व्हाट मतलब कि यहां पर कैन ही क्लेम अकॉर्डिंग टू द प्रॉक्सिमेट क्लॉज. तो नो, दिस इज हाउ. सेकेंड सॉरी फिफ्थ सबरोगेशन. दिस टर्म माइट बी न्यू टू ऑल ऑफ यू. सबरोगेशन का मतलब हो जाता है जो आपका सामान है, जो सामान है दैट वुड बी द ओनरशिप विल पास टू द इंश्योरेंस कंपनी. And I have many times seen that people misuse this subrogation. Actual में अगर देखा जाए तो when you have insured something, उसमें नुकसान हो गया तो जो बची हुई चीज होगी, whether it is a scrap or something, even concrete, चाहे वो टुकड़े पड़े हुए हो या पूरा का पूरा, that will go to the insurance company. क्योंकि हमने तो loss का already insurance ले लिया है. एग्जाम्पल एक मतलब विच हैज कम इन द पेपर, एक कार है, इट गॉट एक्सीडेंट. नाउ द कार जो है वो बिल्कुल इट हैड स्मैश्ड, ठीक है, पूरा जल गया था. द ओनर टुक द इंश्योरेंस. नाउ ही वॉन्टेड कि वो जो स्क्रैप है, वो जो बचा हुआ उसका जो मतलब कि जला हुआ पार्ट वो है, वो भी ही नीड्स टू गो एंड सेल आउट इन द मार्केट. इज इट पॉसिबल? नो. वो जो स्क्रैप है दैट इज नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी. नाउ यू मे आस्क कि व्हाई मैम, व्हाई द स्क्रैप हैज बीन टेकन? बिकॉज कंपनी आपको लॉस प्रोवाइड कर रही है तो दे हैव टू कॉम्पनसेट फ्रॉम देयर एंड ऑल्सो. और कहीं ना कहीं दे हैव टू यूज एंड दिस इज ऑल्सो द कॉन्क्रीट प्रूफ. इट रेफर्स टू द राइट ऑफ द इंश्योरर टू स्टैंड इन प्लेस ऑफ द इंश्योर. मतलब थोड़ा सा लगेगा, इसका मतलब है कि इंश्योरर यानी कि कंपनी जो है वो अब इंश्योर जिसने लिया है उसका सामान उसका हो जाएगा. आफ्टर सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम
as far as the right of insured in respect of recovery from an alternative sources in after the insured is compensated for the loss or damage to the property by him or her, the right of ownership of such property passes on to the insurer. Ek godown tha. Question. There was a godown. In that, what happened? There were some books kept. Now, 80% of the books were charred to carbon. 80% जो वहाँ पे books रखे थे, मतलब कि fire में खत्म हो गए. Now ये जो बचे हुए 20% थे, which was there, वो किसको जाएगा? So, as per the principles of subrogation, it would pass on to the insurance company. This is because the insured should not be allowed to make any profit by selling the damaged property or in the case of lost property being recovered. And this I think I had given this example to you, and this has been done in fact. Now, this particular case, I have seen the person after losing, they had claimed it from the insurance company, and later on even they recovered and they even sold it in the market also. That becomes a criminal case in fact. Agar koi aisa karta hai, so that becomes a criminal case. Contribution. This is the one question which you will be asked to have a न्यूमेरिकल पार्ट. इस वाले में से आपके पेपर में एक न्यूमेरिक क्वेश्चन आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन से ही आएगा. नाउ से इफ यू आर टेकिंग, हमारा इसके अंदर आता है व्हाट वी कॉल एज डबल इंश्योरेंस. मान लीजिए कि आपने एक सामान का इंश्योरेंस एक कंपनी से 1 लाख रुपए का ले रखा है, दूसरे से आपने 2 लाख रुपए का ले रखा है. So that means the total insurance you have taken is 3 lakh. लेकिन आपका जो रेशियो है वो जा रहा है 2:1. And if any loss occurs, say उस इंसान का जो है 1,50,000 का loss हुआ था, ठीक है? Now this cannot be, वो अपनी मर्जी से इस कंपनी से 50,000 और इस कंपनी से 1 लाख नहीं ले सकता. He has to go with this principle 2/1, yani ki 2/3 into 1.5 lakh and 1/3 into 1.5 lakh. 1.5 lakh refers to the loss he has incurred. Yani ki yahan par usko jo hai, is company se usko mil jayega 1 lakh rupee aur is company se usko milega 50,000. अगर वो सोचता है मैं ये वाला पूरा ले लूं, यहां से मैं 50,000 ले लूं, तो नहीं जाएगा. उसको उल्टा मिलेगा, इस कंपनी से उसको 2 लाख, मतलब कि उसको जो है 1 लाख मिलेगा, यहाँ से उसको 50,000 मिलेगा. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ डबल इंश्योरेंस. As per this principle, it is the right of an insurer who has paid claim under an insurance to call upon other liable insurers to contribute for loss of claim. It implies in case of double insurance, the insurers are to share the loss in proportion to the amount assured by each of them. In case there is a loss when there is more than one policy on the same property, the insured will have no right to recover more than the full amount of his actual loss. If the full amount is recovered from one insurer, the right to obtain further from other insurer will cease. और अगर उसने कहा है कि भाई तुम ही मेरे को पूरे 1.5 लाख दे दो, मेरे को इनसे नहीं लेना है, वो यहां से कुछ नहीं ले सकता. If he doesn't want to claim. This आपके पेपर में ऐसा ये जो क्वेश्चन है ये आएगा. And when we are doing the questions, I'll tell you how you will do
दैट हैज टू बी डन इन द सेम मैन, इट कम्स इन द सेम थिंग. उसे दो जगह पर ले रखा था, इसमें यहाँ पर इतना इतना, तो यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो एंड देन यू हैव टू डिवाइड एंड यू हैव टू टेल व्हाट विल बी द कॉन्ट्रीब्यूशन. इट कम्स एज अ न्यूमेरिक पार्ट. मिटिगेशन, द लास्ट वन. मिटिगेशन का मतलब होता है कि इफ यू हैव टेकन एन इंश्योरेंस दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू सिट वेरी कूल. वाओ, ले छोड़ो कोई बात नहीं, इट्स ओके. नो, यू शुड टेक ऑल द मेजर्स टू लेसन द बर्डन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी. यू शुड टेक ऑल द मेजर्स टू सेव एज मच एज यू कैन सेव. The principle states it is the duty of the insured to take reasonable steps to minimize the loss or damage to the insured property. Suppose goods kept in a storehouse catch fire, then the owner of the goods should try to recover the goods and save them from fire to minimize the loss or damage. The insured must behave with great prudence and not be careless just because there is an insurance car. If reasonable care is not taken like any prudent person, then the company, the claim from the insurance company may be lost. Now, you may wonder ki aisa kaisa hota hai? Unko kaise pata lag jaye? So, there are many measures that are taken by the insurance company. द इंश्योरेंस कंपनी डजेंट गिव यू एनी थिंग ऑन वन गो. आप गए और आपने बोला दे दो तो वो नहीं देते हैं. दे वुड फर्स्ट कम, दे वुड इंस्पेक्ट, दे वुड सी वॉट इज द अमाउंट ऑफ लॉस, देन दे वुड गो गो विद अ कैमरा, दे वुड ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द रिलेटेड, नो जान बुझ के तो नहीं लगा, दे मे इवन गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड देन इट कम्स. So there are so many things that has to be taken into care, but ये जो हमारे main है principles, ये हमारे हमेशा रहते. This is where the principles of insurance stood. Now is how many kinds of insurances are there? We have number. आज की date पर we cannot confine. And आपके according अभी मैं पढ़ देख रही थी, I was just checking across CBSE. You have all these. सब कुछ है. You have life insurance, you have, fire insurance, marine insurance, crop insurance, you have the cattle insurance, you have the vehicle insurance, jinko hum general insurance ke andar lekar aate hain, burglary, there are different kinds of insurances. And under each, we have a number of, lekin hum life ka padhenge, we will not be reading for fire and marine ke number, nahi, fire or marine ko, hum ek generalized padhenge. Various types of insurance exist by virtue of practice of insurance companies and influence of law enactments controlling the insurance business. Broadly speaking, insurance may be classified as first life. Second, aapka marine and fire hai aapka. So first hamara hai life. Life is uncertain. All individuals try to assure themselves of a certain sum of money. अब देखो सामान का तो हमें वैल्यू पता है, लोगों की हमें वैल्यू नहीं पता. But we estimate कि एक इंसान के जाने या ना जाने से कितना नुकसान हो सकता है. And then to take care of those unforeseen events or happenings, we take the insurance. Individual in their course of life are always exposed to some kind of risk. The risk may be of an event which is death. सबसे पहले जब life insurance बोलते हैं ना, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज यही आती है, life insurance means death. No, you have a number of insurances under a life insurance also. But death सबसे ऊपर आता है. Reason? When such unforeseen event happens, तो उससे जो जुड़े हुए लोग होते हैं they may come on roads. कई कई बार एक ही इंसान होता है जो घर में कमा रहा होता है. In that case, what will happen to the other members of the family who are dependent on a particular individual's income? पीछे भी हुआ था एक जोमैटो का जो मतलब कि पर्सनल था, he was killed. Now,
व्हाट विल हैपन टू हिज फैमिली. चलो ऑफिस वालों ने कुछ टाइम के कुछ चीजों के लिए उन्होंने जो है दे दिया अलावेंस, कुछ मतलब कि दे हैड गिवन द कॉम्पनसेशन, बट व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स टिल दे गेट सेटल्ड. तो अगर उस इंसान ने इंश्योरेंस करवा रखा होगा तो उसका जो है एक लमसम अमाउंट उनकी फैमिली को मिल जाएगा, जो भी डिपेंडेंट होगा. द अदर रिस्क मे बी लिविंग टू लॉन्ग इन विच एन इंडिविजुअल मे बिकम टू ओल्ड टू अर्न रिटायरमेंट. इन दिस केस ऑल्सो द अर्निंग्स विल डिक्लाइन और एंड. भाई अगर आप बिजनेस में हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट इफ यू आर इन सर्विस देन आफ्टर वन एज यू रिटायर देन यू डोंट गेट द जॉब देन, और यू बिकम सो ओल्ड दैट यू आर नॉट एबल टू सस्टेन देन. उनके लिए देर आर सर्टेन प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ वॉट वी कॉल एज पेंशन और सम मतलब की सम काइंड ऑफ पूरा का पूरा उनको एक अमाउंट आ जाना. अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ. पहले ये स्टार्टिंग तो सिर्फ डेथ के लिए ही था, जो मैंने आपको पहले बताया. पहले जमाने में लाइफ इंश्योरेंस का मतलब अगला बंदा ये बोलता था ओ माई गॉड डेथ. बट ग्रेजुअली अब इट हैज ऑल्सो एक्सपैंडेड टू डिसेबिलिटी हेल्थ एनुटी लाइफ इंश्योरेंस प्रॉपर. आज लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ सिंगल इवेंट दैट कॉल्ड एज डेथ. नाउ इट डिपेंड इट इज हैविंग मेनी अदर एरिया. लाइफ इंश्योरेंस मे बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ अ सर्टेन प्रीमियम ईदर इन अ लमसम और बाय पीरियोडिकल पेमेंट अग्रीज टू पे द एश्योर्ड और टू द पर्सन फॉर हूज बेनिफिट द पॉलिसी इज टेकन द एश्योर्ड सम ऑफ मनी ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफिक इवेंट कॉन्टिजेंट ऑन द ह्यूमन लाइफ और एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड. इसके दो मीनिंग अलग अलग है, या तो डेथ या फिर मे बी हमने एक टर्म के लिए ले रखा आफ्टर 50 इयर्स हमें इतना पैसा चाहिए, तो व्हेन द पर्सन अटेन 50 इयर्स ही वुड बी गिवन 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 दैट मनी दैट कम्स. मतलब इसके अलग अलग तरीके हैं. लाइक आजकल तो मैरिज चिल्ड्रंस मतलब की एजुकेशन पॉलिसी रिटायरमेंट पॉलिसी ऐसे करके होता है, एंड जो एज का आप डालते हो उस एज में आपके पास वो पैसे आ जाते हैं. एंड इन केस उससे पहले अगर उस इंसान की डेथ हो जाती है तो भी आ जाते हैं. इन द फायर एंड मरीन आपको जो है मरीन में तो हम तभी लेते हैं जब हमारा कंसाइनमेंट जाता है. हम हर एक चीज के लिए मरीन इंश्योरेंस लेकर नहीं रखते अनलेस एंड अनटिल हमारी कंपनी मतलब उसे डील करती है. फायर इंश्योरेंस मोस्ट ऑफ द बिजनेस दे टेक, लेकिन उसमें क्या होता है यू हैव टू रिन्यू योर पॉलिसी. इन लाइफ इंश्योरेंस इट इज अ पर्टिकुलर पीरियड थ्रू विच यू हैव टू पे द प्रीमियम 10 इयर्स 15 इयर्स डिपेंडिंग आप कितने साल का ले रहे हो, आपकी क्या अर्निंग आपकी क्या स्पेंडिंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग. दस द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स द इन टू इंश्योर द लाइफ ऑफ अ पर्सन इन एक्सचेंज फॉर अ सम ऑफ मनी कॉल्ड प्रीमियम. द प्रीमियम मे बी पेड इन वन लमसम और पीरियोडिकल मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली ईयरली. एट द सेम टाइम द कंपनी प्रोमिसेस टू पे अ सर्टन अमाउंट ईदर ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन और अटेनिंग अ सर्टन एज दैट इज द एक्सपायरी. एज आई सेड चिल्ड्रन वाले में क्या होता है हम लोग लेते हैं मतलब उसके अंदर होता है व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर 10th देन व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर 12th देन वो डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स उसको किस पे ले रहे हैं देन व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन एंड देन तो आपको मिलता है मतलब वो पार्ट पार्ट मिल जाता है. से आपने 10 लाख रुपए का ले रखा है तो इस वक्त में आपको 2 फिर आपको 2 फिर आपको 6 ऐसे मिल जाते. तो दैट इज हाउ इट इज डिवाइडेड. Thus, the person is sure that such specified amount will be given to him when he attains a certain age, or that his dependents will get that sum in the event of his death.
this agreement or contract which contains all the terms and conditions in putting in writing and such document is called as policy. The person whose life is insured is called as assured. The insurance company is the insurer. And the consideration paid by the assured is premium, which can be paid in installments. ये चार terms हमें याद रखने हैं. This is for all the insurance. मतलब जो हमारा terms and condition हमने जो policy ली है, the kind of policy, annuity, whole endowment, children's life, marriage, वो हमारा policy है. जिसने लिया है, जिसके लिए लिया है, वो assured है. Assured मतलब उसको 100% मिलेगा. जो कंपनी है वो इंश्योरर है एंड जो पैसा हम देते हैं वो प्रीमियम है. द इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द फैमिली एट द प्रीमैच्योर डेथ और गिव्स एडिक्वेट अमाउंट एट ओल्ड एज व्हेन अर्निंग कैपेसिटीज आर रिड्यूस्ड. द इंश्योरेंस इज नॉट ओनली अ प्रोटेक्शन बट इट इज अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये पेपर में एक क्वेश्चन था, LIC के ही ऊपर था. Because a certain sum is returnable to the insured at the time of death or at the expiry of certain people. Life insurance also encourages savings as the amount of premium has to be paid regularly. आपके पेपर में जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या आपका जो लाइफ इंश्योरेंस है इट इज ओनली फॉर प्रोटेक्शन. नो, it is also now a source of investment and it is also the source of capital formation. Aaj insurance is not only for the life or death, it is not only for endowment, it is also a capital formation. Aajkal log insurance isliye bhi lete ki ek certain age ke baad jab unke paas wo paisa aata, they reinvest it. And then it is also pooling up the savings, kyunki वैसे तो हम लोग पैसा एक साथ नहीं निकालते हैं. And when we are giving it an installment, तो थोड़ा easy हो जाता. The general principles of insurance applies to life insurance with few exceptions. For example, आपका indemnity नहीं आता, ठीक है? The life insurance contract must have all essentials of a valid contract. That is free consent, capacity to enter into contract, lawful consideration, lawful object. The contract of life insurance is a contract of utmost good faith. The assured, yani ki jo le raha hai ya jiske liye hum le rahe hain, should be honest and truthful in giving information to the insurance company. He must disclose all the material facts about his health to the insurer. It is his duty to disclose accurately all the material facts known to him, even if the insurer does not act. जैसे यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है examples of facts to be disclosed. इसमें देखो लिखा है age, previous medical history, smoking, drinking habits. In life insurance, पहला हमारा क्या था? It is a valid contract. Second is utmost good faith. Third is insurable interest. The insured must have insurable interest in the life assured. मतलब अगर हम खुद का नहीं कर रहे हैं, दूसरे का कर रहे हैं, तो उसके से भी हमारा कोई पेक्यूनियरी यानी कि सम फिनेंशियल लॉस होने की संभावना तो हम करवा रहे हैं. लाइक अ पार्टनर इज गेटिंग इटसेल्फ फॉर हिज अदर पार्टनर, हस्बैंड डूइंग इट फॉर वाइफ, वाइफ डूइंग इट फॉर हस्बैंड. विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज वॉइड. इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस याद रखना, insurable interest must be present at the time when the insurance is affected. It is not necessary the assured should have insurable interest at the time of maturity also. For example, a person is presumed to have an interest in his own life and every part of it, right? A creditor has an insurable interest in the life of his debtor.
A proprietor of a drama company has an insurable interest in the lives of the actor. भाई उनके किसी भी मान लो उनकी अनटाइमली डेथ हो गई तो देन उसका नुकसान हो सकता है तो वो उस नुकसान की भरपाई लेता है. सो दैट इज व्हेन द इंश्योरेंस इज अफेक्टेड. लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. The life of a human being cannot be compensated, only a specified sum is paid. ये मैं आपको ऊपर already समझा चुकी हूँ. That is why the amount payable on the happening is fixed. आपको मैंने ऊपर वो पिछली बार समझाया था ना कि किसी ने 5 लाख का ले रखा है, अगर उसका नुकसान 3 का हुआ तो he would be getting 3 lakhs, and उसका नुकसान 6 का हुआ तो उसको maximum मिलेगा. इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस उसने जितने का किया उतना मिलेगा. द सम इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. इफ इट कम्स इन एक्सप्लेनेशन यू हैव टू गिव दिस एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस वी हैव. मतलब बहुत सारे हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस whole life. In this, the amount payable, the insured will not be paid before the death. Whole life का मतलब क्या हो जाता है? Only after death किसको मिलेगा? To the nominees. जो भी उसे nominate कर रखा होगा कि मेरे बाद मेरी wife, मेरे बच्चे, मेरे जिसको भी दे रखा होगा उनको मिलेगा. जो हम प्रीमियम देते हैं, एज आई सेड द प्रीमियम इज ओवर अ पीरियड, विल बी पेएबल फॉर अ फिक्स पीरियड 20 to 30 years और फॉर द होल लाइफ ऑफ द अश्योर्ड. इफ द प्रीमियम इज पेएबल फॉर अ फिक्स पीरियड द पॉलिसी विल कंटिन्यू टिल डेथ ऑफ अश्योर्ड. फॉर एग्जाम्पल एक इंसान ने जो है अपना लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है और वो कहता है मैं अपना जो उसने ले रखा है 25 साल में, उसकी जो एज थी वो थी 25 years, राइट. इफ ही इज पेइंग द प्रीमियम फॉर 20 years तो उसकी एज हो जाएगी 45 years, राइट. अब उस इंसान की चाहे डेथ 70 में हो या 80 में, उसको तब वो पैसा मिल जाएगा. एंड समटाइम्स द पर्सन इफ द मतलब कि और फॉर द होल लाइफ ऑफ द एश्योर, हो सकता है वो लमसम में भी दे दे या हो सकता है कि वो इतने साल तक का दे. उसने सोचा होगा कि 55 years मैं लूंगा मैक्सिमम, तो अब 55 years तक वो प्रीमियम देता रहे. बट एनीवे जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो नॉमिनीज होते हैं उनको मिलता है. एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक to pay a specified amount when the insured attains a particular age or on his death, whichever is earlier. उसमे हमारा क्या था? डेथ पर मिलेगा. इसमें क्या है? एक एज हम डाल देते. Like most of the people take this for the old age, कि भाई हमें 55 के बाद शायद हम कमाएंगे नहीं, तो 55 के बाद हमें ये अमाउंट मिल जाए. हो सकता है कि हम इसलिए ले लें कि हमें पता है कि हमने अपने बच्चे की शादी करनी है उस एज में, तब हम ले. लेकिन अगर बाय चांस जिसने इंश्योरेंस करवाया था उसके उसे पहले डेथ हो जाती है तो वो पैसा उसकी फैमिली को मिल जाता है. द सम इज पेएबल टू हिज लीगल हेयर, हेयर मतलब उसका वारिस, और द नॉमिनी नेम देयर इन केस ऑफ डेथ ऑफ द अश्योर. अगर वो जिंदा है तो उसे मिलेगा और अगर वो मर गया तो उसकी नॉमिनी. Thus, endowment policy matures after a limited number of years. बहुत कॉमन है ये. इसी के अंदर आपके कई आ जाए. Joint, जहां दो से ज्यादा लोग हो, partners हो, husband and wife हो. The policy is taken up by two or more persons. The premium is paid jointly or either of them. The husband अपनी wife के लिए भी दे सकता है. The assured sum or policy money is payable upon the death of any one person to the other survivor.
यूजुअली दिस इज टेकन बाय हस्बैंड एंड वाइफ और टू पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म. ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहीं पे लेते हैं जहां आपको पॉसिबिलिटी रहती है. एनुटी, अब बच्चा एंडोमेंट और एनुटी में यू विल नॉट बी कंफ्यूज. एनुटी में क्या होता है, आपको जो पैसा मिल रहा है वहां तो आपको पूरा लमसम मिला था, यहाँ पे आपको एज अ रेगुलर इनकम मिलेगा इन इंस्टॉलमेंट्स. आपके जो एंडोमेंट है वहां पर आपको कितना मिला था, फॉर एग्जाम्पल इफ द पर्सन हैज अश्योर्ड गॉट हिमसेल्फ अश्योर्ड फॉर 2 लाख रुपीज एंड आफ्टर 20 ईयर्स ही विल गेट 2 लाख रुपीज, 2 लाख प्लस जो भी आपका इंटरेस्ट होगा. बट इन दिस एनुटी उसको वो जो 2 लाख रुपए है वो ओवर द पीरियड मंथली क्वार्टरली जैसा उसने मांगा है वैसा मिलेगा. अंडर दिस पॉलिसी द एश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेएबल आफ्टर द एश्योर्ड अटेन्स अ सर्टेन एज इन मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली और एनुअल इंस्टॉलमेंट. द प्रीमियम इज पेड इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ सर्टेन पीरियड और सिंगल प्रीमियम मे बी पेड. दिस इज यूजफुल टू दोज हु प्रिफर अ रेगुलर इनकम आफ्टर अ सर्टेन एज. ओल्ड एज का हम लोग जो लेते हैं वो एनुटी के अंदर आ जाता. चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, दिस इज टेकन फॉर एजुकेशन एंड मैरिज. वी हैव टेकन दिस फॉर द एजुकेशन. मीन्स ये कैसा होता है कि मान लो बच्चा, दैट डिपेंड्स, हाँ बच्चा पैदा होते भी ले सकते हो. बच्चा जब 10 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है. नाउ से यू आर पेइंग एंड मतलब आप जो हो दे रहे हो ओवर अ पीरियड. एंड वेन द चाइल्ड अटेन्स अ सर्टन एज, जैसे हमने ले रखा था कि भाई 12th के बाद वी वुड रिक्वायर, मतलब कि हमें कॉलेज के एक्सपेंसेस के लिए चाहिए होंगे एंड देन हो सकता है कि ग्रेड्स के बाद चाहिए होंगे, तो हमने उसको ऐसे लिया हुआ. एंड समटाइम्स इट मे बी कंप्लीट यू नो लमसम ऑल्सो, अगर मैरिज है तो पूरा मिल जाएगा. दिस पॉलिसी इज टेकन बाय अ पर्सन फॉर हिज और हर चिल्ड्रन टू मीट द एक्सपेंसेस फॉर देयर एजुकेशन और मैरिज. द एग्रीमेंट स्टेट दैट अ सर्टन अमाउंट विल बी पेड बाय द इंश्योरर When the children attain a particular age, the person is paid by the premium is paid by the person entering into the contract. However, no premium will be paid if he dies before the maturity of the policy. मतलब जिसने लिया है फादर, यहाँ पर इट इज नॉट फॉर द चाइल्ड. मान लो एक फादर ने लिया है एंड फादर की अनटाइमली डेथ हो गई है, तो देन एट दैट सिचुएशन द चाइल्ड वुड बी इंश्योर्ड टिल ही और शी गेट दैट एज. तो नॉर्मली इट इज टेकन, ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है विच इज टेकन बाय मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स नाउ डेज. आजकल हर पेरेंट इसको लेता है सिंस इट कवर्स द मेजर आपके जो एजुकेशन एक्सपेंसेस है. आजकल क्या है, वेन यू आर गोइंग फॉर एमबीए, when you are going for MBA, when you are going for medical, when you are going for you know certain things, तो बहुत costly होता है. It is in 20 and 30 lakhs. It is in lakhs. मतलब आज के डेट पर if you are looking into the MBAs of IIM, it is 22 lakhs. 22 lakhs एक normal इंसान कहाँ से ले आएगा? तो नेचुरल है कि ही और शी हैज टेकन अ पॉलिसी दैट कैन हेल्प. एंड जरूरी नहीं है वो हमें पैदा होते ये बच्चा, हमें पता होगा कि हमारा बच्चा एमबीए कर रहा है. इट कैन बी टेकन फॉर एनीथिंग. हम एजुकेशन के नाम से लेते हैं एंड व्हेन दैट पर्टिकुलर एज कम 17, 21, 25, तो उसको वो पैसा मिल जाए. तो देर आर नंबर, और इन पॉलिसीज के अंदर ही बेटा अलग अलग आपकी पॉलिसीज होती हैं. इट डिपेंड्स ऑन एज, इट डिपेंड्स ऑन वॉट काइंड यू वॉन्ट, हर चीज को डिपेंड कर. बहुत इसके अंदर ही बहुत सारे हैं.
जीवन सरल, जीवन सुकन्या, मतलब गर्ल्स के लिए अलग पॉलिसीज हैं, बॉयज के लिए अलग पॉलिसीज हैं, मतलब देर आर नंबर ऑफ, ये तो आपके वो मेजर है हेडिंग, इनके नीचे सब हेडिंग्स आपके बड़े सारे होते। तो इन अनदर वर्ड्स, लाइफ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई बिलीव दैट एवरी वन शुड टेक लाइफ इंश्योरेंस एट वन कोर्स बिकॉज लाइफ इज डेफिनेटली अनसर्टेन। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली रिवाइज द सेम सेक्टर। ये देखो, ये मैंने आपको बताया था, देखिए लाइफ लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, और ये आपके अलग अलग इंश्योरेंसेस हैं, बर्गलरी, कैटल, क्रॉप, स्पोर्ट्स, अमर्त्या, शिक्षा, राजेश्वरी, महिला कल्याण, हेल्थ, व्हीकल, ये हमारे जनरल के अंदर आ जाते हैं। एंड देन फॉर द लाइफ वी आर हैविंग अ नंबर ऑफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कम दैट की वी हैव सर्टन प्रिंसिपल्स ऑन विच द इंश्योरेंस सेक्टर इज बेस्ड। एंड द मेन प्रिंसिपल्स हमारे हैं एटमोस्ट गुड फेथ, प्रॉक्सिमिटी, या फिर आपका सबरोगेशन, मिटिगेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, दीज आर सम ऑफ द वन विच आर एप्लीकेबल टू ऑल। बट वेन इट कम्स टू द लाइफ देन फर्स्ट इज इट शुड हैव द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल वैलिड, यानी कि आपका पूरा लॉफुल होना चाहिए। ऐसे ही हम किसी का इंश्योरेंस नहीं करते हैं। देर इज अ बेसिक, मतलब सेकेंड इज गुड फेथ, नो वन शुड हाइड एनी फैक्टर, इट शुड बी ऑन द ईदर साइड। और इसमें आपके पेपर के अंदर आया था जो मैंने आपको अस्थमा वाला क्वेश्चन दिया था, बताया था, दैट केम इन दिस अंडर दिस ओनली। सो एटमोस्ट गुड फेथ, देन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अगेन ये तीनों में रहता है, यानी कि जिस इंसान का, या वो खुद का हो या फिर किसी और का करवा रहे हो, उसके मरने से, उसके डिसेबल होने से हमारा कोई नुकसान हो रहा है फाइनेंशियल, देन इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, मतलब आपको एक्चुअल कभी नहीं मिलेगा। से एक इंसान ने अपना इंश्योरेंस करवाया था, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उसने करवाया था 5 लाख का, बट आफ्टर इयर्स एक इंसान की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, चीजों की कीमत बढ़ जाती है, सब सब कुछ बढ़ जाता है। एट दैट टाइम ऑल्सो द कंपनी इज गोइंग टू पे यू ओनली 5 लाख रुपीज, मतलब 5 प्लस जो भी उसका इंटरेस्ट वगैरह रहता है वही दिया जाता है, ही वुड नॉट बी पेड मोर देन दैट। मतलब जो आपको एश्योर किया गया है, प्रॉमिस किया गया है, वही आपको मिलेगा, ना कम मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, द पर्सन हैज नॉट पेड द कंप्लीट प्रीमियम, उससे पहले उसकी अनटाइमली डेथ हो जाती है। से द पर्सन हैज टू पे द प्रीमियम फॉर 20 ईयर्स, लेकिन उसकी 15 साल बाद उसकी डेथ हो, देन ऑल्सो द एंटायर अमाउंट जितना उसको फिक्स किया वो मिल जाएगा। दैट इज वाई इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बिकॉज वी के नॉट स्पेसिफाई इट इन इंटू सम अमाउंट, इट इज ओनली फिक्स्ड इन एडवांस। देन हमने पढ़ा द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, होल लाइफ का मतलब हो जाता व्हेन द पर्सन इज डेड, देन उसकी जो फैमिली होती है उसे मिलती है। एंडोमेंट में क्या होता है, उसको पर्टिकुलर एज के बाद वो पूरा पैसा मिल जाता है, या अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसकी फैमिली को वो मिल जाता है। जॉइंट लाइफ इज टेकन बाई टू पीपल टूगेदर लाइक हजबेंड एंड वाइफ और पार्टनर्स, एंड एनुटी के अंदर आपके जो है नॉट एट द, मतलब उसमें क्या था आपके एंडोमेंट में, एट पर्टिकुलर एज पूरा पैसा, इसमें उस एज से आपको लाइक अ पेंशन, आपको मंथली, आपने जिस पे भी लगा रखा है, यू वॉन्ट अ मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल, आपको वो पैसा मिलता जाएगा। एंड दिस इज राइट नाउ एनुटी पॉलिसी इज वेरी वेरी फेमस इन यू नो आर कंट्री। द रीजन इज कि इन इंडिया मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू नॉट पे पेंशन, आपका गवर्नमेंट जो है इट पेज द पेंशन आफ्टर द डिजायर्ड एज, लेकिन बाकी जगह पर नहीं होता है। तो अगर हम लोग एनुटी पॉलिसी ले लेते हैं तो देन आफ्टर अ सर्टन एज वी आर नॉट, हमें इस बात का डर नहीं होता है कि हमें मंथली हम अपने इनकम को कैसे रखें। देन चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी, दिस इज बेसिकली टेकन फॉर द मैरिज और द चाइल्ड, वेन द चाइल्ड इज अटेनिंग सर्टेन एज एंड उसको कुछ पढ़ना है पढ़ाई के लिए, तो उस पर्पज से हम लेते हैं। लेकिन इन केस जो, क्योंकि बच्चा खुद तो लेगा नहीं, तो
तो उसके पेरेंट्स की अगर अनटाइमली डेथ हो जाती है देन ऑल्सो दैट पॉलिसी कंटिन्यूज. तो दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इन लाइफ इंश्योरेंस एंड द काइंड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. इन द नेक्स्ट क्लास वी वुड बी प्रोबेबली कंप्लीटिंग फायर एंड मैरीन, दोनों हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि उसमें बहुत लंबा चौड़ा नहीं है. एंड देन वी हैव द ओनली हमारा पोस्टल सर्विसेज रह जाता है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, और कुछ नहीं है. ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आपके नहीं है पेपर के अंदर, तो यू विल बी हैविंग ओनली द पोस्टल सर्विसेज. अगर टाइम परमिट होगा तो तीनों खत्म कर देंगे. फायर वो दोनों क्योंकि उनके जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर ऑल्सो सेम. फायर में आपका ज्यादा कुछ है नहीं, एंड मेरीन में आपके तीन तरीके के हैं, दैट इज अ फ्लीट आपका, शिप का आपका, कार्गो का आपका. एंड देन इन द अंडर द पोस्टल व्हाट काइंड ऑफ पोस्टल सर्विसेज, कुरियर आपका ये वाला ही है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, सो वी कैन कम्प्लीट. तो इन वन गो वी कैन कम्प्लीट इट. बट रिमेंबर बिकॉज इंश्योरेंस बैंकिंग आर न्यू टू ऑल ऑफ यू, तो आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रीड दिस अलॉन्ग विद एनसीईआरटी 100 times. अगर आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम आती है तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द क्लास यू कैन आस्क. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास 11? बिकॉज सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं. फिर जो आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन फायर एंड मेरीन इंश्योरेंस आपके आता है. प्रिंसिपल्स आपके आइडेंटिफाई करने को आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन को आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है, एंड डिफरेंस बिटवीन फायर एंड बैंकिंग में आई हैव टोल्ड यू कि बैंकिंग के जो आपके अकाउंट है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है, एंड बैंकिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स एंड टू द बैंक वाला जो क्वेश्चन है वो. तो दीज आर सम ऑफ द वेरी वेरी यू कैन से प्रोमिनेंट क्वेश्चन दैट कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट? So with this, you can take leave. I would request Vishnu and Agastya for 1 minute. Pragya, you also are having you also have the exam now. Yes, Pragya ma'am. has on 2nd August. Nay, 1st August. Right? Agastya, you have your English on 1st and BST on 2nd. And Yes, ma'am. Vishnu, you have on 4th. Right? Pragya and Vishnu, you have the similar syllabus. Agastya, your syllabus is not there with me. I'm not having your syllabus. Kindly send it. एंड इफ देर इज एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो. वैसे नहीं होना चाहिए फिर भी, राइट? चलो नाउ यू कैन. ओके बेटा, यू कैन नाउ लॉग ऑफ. थैंक यू.